हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जन्माष्टमी पर हमें अपने घर की दहलीज पूजन कैसे करनी चाहिए, साथ ही हमें घर के दरवाजे पर बंधन बार कैसे लगाना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पर मोर पंख का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो मोर पंख का पौधा कहते हैं जहाँ भी होता है उस घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। तो मोर पंख के ये जो इस तरह से हमने पत्ते ले लिए हैं और आज हम इसी से बंधन बार बनाएंगे। फ्रेंड्स, कहते हैं मोर पंख का बंधन बार हमें जन्माष्टमी के दिन बना के अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। इससे कान्हा जी भी प्रसन्न होते हैं और जितनी भी घर की नेगेटिविटी होती है वो सब ये सोख लेते हैं पत्ते। तो आपको ये जरूर से लगाने चाहिए और ये साल में एक बार ही इस तरह का बंधन बार बना के लगाया जाता है। तो देखिए, आप ये दहलीज पूजन सुबह के समय भी कर सकते हैं और या फिर संध्या के समय भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि मैं जो है रंगोली के कलर लाना भूल गई थी, लेकिन मुझे करनी थी दहलीज पूजन और ये मेरे मन में था कि मैं जन्माष्टमी पर दहलीज पूजन में कान्हा जी के चरण अपने घर के अंदर आते हुए बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि रंगोली वाले कलर नहीं थे मेरे पास तो फिर मैंने सोचा कि जो है मैंने क्या किया, थोड़े से चावल, 1 से 1.5 चम्मच चावल जो है मैंने पानी में भिगो दिए थे 1-1.5 घंटे के लिए, और जब वो अच्छे से भीग गए उसके बाद मैंने उनको पीस लिया और पीस के इस तरह से एक पेस्ट जैसा मैंने तैयार कर लिया। और देखिए, बस हम इस तरह से दहलीज पूजन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि चावल को पीसकर हमें अपनी दहलीज पूजन जरूर करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। आप चावल को पीस के उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के और घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर जन्माष्टमी पर आप इस तरह से दहलीज पूजन नहीं कर पाए हैं तो कान्हा जी की छठी वाले दिन भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैंने चावल को पीसकर और भगवान श्री कृष्ण के चरण बनाए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए, रेड कलर से तो हम माता लक्ष्मी के चरण हर रोज़ ही बनाते हैं, कभी हम उसके लिए रोली कुमकुम का यूज़ करते हैं, कभी जो लाल मिट्टी होती है जो गेरू उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन देखिए पिसे हुए चावलों से कितने अच्छे चरण बने हैं। और आप इसकी जगह पर जो चूना आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक आती है ना खड़िया मिट्टी, जिसे खड़िया मिट्टी बोलते हैं, वो वाइट कलर की होती है और बस 2 मिनट के लिए उसको पानी में घोलो, बिल्कुल वाइट कलर होता है उसका, उससे भी दहलीज पूजन बहुत अच्छा होता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ से आप दहलीज पूजन करें, लेकिन आपको त्यौहार पर अपने दहलीज की पूजा जरूर करनी चाहिए और ऊपर की तरफ बंधन बार आप जरूर लगाएं, अशोक के पत्तों का, आम के पत्तों का बंधन बार आप ज़रूर लगाएं। तो देखिए, चरण बनाने के बाद मैंने चरणों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाली है, पूजन किया है भगवान के चरणों का, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी हम रोली डालेंगे और जो हमने स्वास्तिक बनाए हैं उनका भी हम इसी तरह से पूजन करेंगे। और जो बंधन बार मैंने बनाया है वो मैंने ऊपर लगा दिया है, अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से चरणों का पूजन करें और ऐसे भाव लाएं जैसे हम वृंदावन में हैं और वृंदावन की जैसे दहलीज पूजन करते हैं ना, आप इत्र लगाते हैं वहाँ पे, इत्र सेवा होती है ना, ऐसे ही आप अपने घर की दहलीज पर भी थोड़ा सा इत्र परफ्यूम आप जरूर छिड़कें इस दिन। और भगवान को सुगंध अति प्रिय है, भगवान को पुष्प अति प्रिय हैं, तो आप पुष्पों से, इत्र से भगवान की दहलीज पूजन आप ज़रूर करें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, वृंदावन जाकर तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अपने घर में भी, क्योंकि अंदर घर के अंदर ना लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी विराजमान हैं, तो आपको इस भाव से अपनी दहलीज पूजन रोज करनी चाहिए। तो देखिए, अंधेरा हो रहा था और जैसे ही मैंने दिए जलाए दोनों तरफ कितना उजाला हो गया और कितने सुंदर लग रहे हैं। आप बताइएगा आपको कान्हा जी के चरण कैसे लग रहे हैं। तो बस हमें इस तरह से दहलीज पूजन करना है और चरणों को प्रणाम करें और कान्हा जी से विनती करें, प्रभु हमारे घर पधारिए, और कान्हा जी बहुत प्रसन्न होंगे इन चीज़ों को करने से। ऊपर देखिए मैंने बंधन बार लगा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।